रवि जी हमारे भारत के बहुत बड़े संगीतकार हैं, हमारे मनपसंद, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया है बहुत ही अच्छा साफ सुथरा काम किया और धुनों में सादगी रहती है और सादगी में एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ रहती है, उसमें कशिश रहती है जो भी धुन बनाते हैं वो, और उसमें शायरी बड़ी अच्छी होती है। और एक और ख़ास बात कहूँ कि ये रिकॉर्ड है उनका, उनके म्यूज़िक का सबसे ज़्यादा जुबली पिक्चर्स उनकी हैं, सबसे ज़्यादा। और जिस जिसके साथ वो काम करते हैं वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनसे बड़े खुश रहते हैं। ब्यूटीफुल ट्यून, ब्यूटीफुल रेंडरिंग और ठहराओ, चौधरी का चांद नगमा है, शायरी बहुत अच्छी है और गायकी बहुत अच्छी है, मोहम्मद रफ़ी साहब की धुन बहुत अच्छी है। चौधरी का चांद हो या प्रताप हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौधरी का चांद हो। नमस्कार रवि जी, ये आप क्या कर रहे हैं? नमस्कार सुरेश जी, मैं ये तो आप देख रहे हैं नई चीज़ नहीं है मेरे लिए, ये मेरा पहला प्रोफेशन था। जब मैं यहाँ बॉम्बे आया उससे पहले मैं यही काम करता था, इलेक्ट्रिशियन था। क्या है कि जब मुझे एज ए सिंगर काम नहीं मिला तो गुजारा तो करना था यहाँ, तो मैं अपना पेशकश प्लास लेकर मूलजा जेठा मार्केट में गया, वहाँ जाकर पंखे साफ किए, 2 रुपये मिलते थे पंखा साफ करने के वो ज़माना में। और जहाँ मैं रहता था वहाँ भी लोगों से, जिन लोगों से उधार लिया था पैसे, उनके इलेक्ट्रिक आयरन, कभी पंखा, कभी कुछ, मैं इलेक्ट्रिक की चीज़ रिपेयर करके उनके पैसे अदा करता था, तो वो ज़माना हमने देखा है। तो ये बड़ा पुराना शौक़ है मेरा। आप गाना लेके आए? जी हाँ, मैं गाना देने ही आया हूँ। और दो लाइन सुना दीजिए मुझे। जी हाँ, मैं सुनाता हूँ। इस गाने में हमने कोशिश की है कि प्यार क्या है इसे बताऊं, तो मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार से जिंदगी संवरती है, प्यार तो दिल की एक राहत है, दिल में हर एक खुशी मचलती है। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो ये 4 लाइनें हैं, फिर अंतरा है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी मैं इसको अपने मुझे दे दीजिए, मैं फिर इसकी 2-4 धुन बनाता हूँ, जितनी मुझसे बन सकती है 2-3, आप उसमें से पसंद कर लीजिए, जो आपको अच्छे लगे उसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो मैं गीत छोड़कर तो जा रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन रवि जी आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? मैं और क्या करूँगा, मेरा काम तो म्यूज़िक का है, तो संगीत ही करता हूँ, बाकी साइड बाई साइड में अपनी आत्मकथा भी लिख रहा हूँ। मेरे बुज़ुर्ग लोग हरियाणा के रहने वाले थे, दिल्ली आकर सेटल हो गए और वहीं मेरा जन्म हुआ 1926 में 3 मार्च को। मेरी माँ तो हाउसवाइफ थी और पिताजी मेरे सर्विस करते थे। गाने का बचपन से शौक था, मैं गाने सुनता था, फिल्म गाने, और उनको गा कर मैं तो कॉपी करके गाना मुझे अच्छा लगता था। मैंने पहली बार एक भजन मुझे बहुत पसंद था, पुकार फिल्म का, तुम भी नमरी कौन खबर रे गोवर्धन गिरधारी, वो एक कल्की कीर्तन मंडल, हमारे मोहल्ले में कल्की कीर्तन मंडल था, वहाँ मैंने गाया पहली दफ़ार, तो बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। पहली लाइन सुना देता हूँ। तुम बिन हमारी कौन खबर ले गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी। पहले
छोटे स्कूल में पढ़ा, उसके बाद बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए गया। दसवीं क्लास तक वो स्कूल था। मैं एक बार तो फेल हो गया था दसवीं में, फिर मैंने प्राइवेट इम्तहान दिया, पास हो गया। मैंने फिर इलेक्ट्रिक का काम सीखना शुरू किया 1945 से 50 तक, 1950 तक 5 साल पोस्टल टेलीग्राफ में मैंने सर्विस की। जब PNT डिपार्टमेंट में काम करता था तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगा। मैं 1950 में दिल्ली से बॉम्बे आया, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को वहाँ छोड़कर आया था। यहाँ आकर मैं पहले हीराबाग धर्मशाला में रहा, मुझे कहीं जगह नहीं मिलती थी, तो कभी गोरेगांव के प्लेटफार्म पर, कभी दुकान बंद हो जाती थी उसके बाद बाहर भागड़े पर सो जाता था, क्योंकि सोलो गाना किसी ने मुझे दिया नहीं। मैंने कोरस में गाना शुरू किया और पहला गाना मैंने बर्मन साहब के साथ गाया फिल्म नौजवान में, जनक जनक जन 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 ओ ओ सिनी मिनी सिनी मिनी, कोरस था। उसके बाद जो कोरस गाना दूसरा गाना मैंने गाया वो था हेमंत कुमार साहब के साथ, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये गाना गाने के बाद उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। हेमंत कुमार साहब ने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया और उनके साथ मैंने शर्त, सम्राट, जागृति, नागिन, चंपाकली, दुर्गेश नंदिनी सारी पिक्चरों में मैं उनके साथ असिस्टेंट था। मेरी पत्नी और मेरी बेटी यहाँ आ गए थे तो मैंने कांडीवली में एक टीन का गोडाउन किराए पर लिया, वहाँ रहता था मैं। ये बात है 51 की। नागिन में मैंने बहुत काम किया, बीन की धुन बनाई। बीन की धुन कैसे बनी ये मैं आपको बताना चाहूँगा। गाना था हमारे पास जो हमने रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, बना लिया था। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। इसी गाने से हमने धुन निकाली। बड़ा पॉपुलर हुआ। बीच में मुझे इंडिपेंडेंट पिक्चर मिल गई वचन, तो वचन फिल्म मैंने 3 काम किए, गाने लिखे 2, चंदा मामा दूर के, 1 पैसा दे दे बाबू, दोनों गाने मेरे लिखे हुए थे। एक गाना गाया आशा भोसले के साथ, आशा जी के साथ डुएट था, यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने निगाहों को मैं दिल, मैं सुनाना चाहूँगा। यूं ही चुपके चुपके बहाने बहाने क्या बहाने। उसके बाद गोयल साहब की सारी पिक्चर मैंने ही की। वचन के बाद नई राहें, नरसी भगत, चरा कहाँ रोशनी कहाँ, एक फूल दो माली, 10 लाख, बहुत सारी उनकी सारी पिक्चर मैंने की। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, रुकने का तू नाम न लेना, चलना तेरा काम। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपके गाने की 2-3 धुन बना ली हैं, अगर कल आप आ जाएं तो मैं आपको सुना दूं। पहली धुन है, प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार से जिंदगी संवरती है। दूसरी धुन, प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार से जिंदगी संवरती है। ये थी दूसरी धुन। एक और है, वो भी आपको सुनाता हूँ। प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार करते हैं लोग सदियों से,
प्यार से जिंदगी संवरती है। ये तीसरी धुन, लेकिन मुझे पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे पहली धुन तरह अच्छी लगती है। तो मुझे भी वो धुन बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि जो कुछ मैंने लिखा है उसके अर्थ का वो विस्तार करती है। आपके संगीत की खासियत रही है कि जो शब्द है उसको आपका संगीत बहुत गहराई तक ले जाता है। क्या है जब कहते हैं ना कि जो अच्छी पोइट्री होती है एकदम से जो चीज़ आती है दिल से वो पहली बार ही आ जाती है। तो मैं वैसे तो धुन बनाने को क्या कुछ भी धुन बनाए आप, जैसे प्यार करते हैं लोग सदियों से जिंदगी प्यार से संबंध, कुछ भी बना लें आप, अंग्रेजी धुन बना लें इसकी, लेकिन प्यार करते हैं लोग सदियों से प्यार से जिंदगी संवरती है, ये धुन अच्छी लगती है। तो मुझे ये पहली धुन तो मैं तो पसंद है, तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और आपको डेट फिक्स करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि गाने को बनाने में तो आपको बहुत टाइम लगा होगा, बहुत वक्त लगा होगा। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट लगे, क्योंकि मैं एक बार शहर से अपने घर की तरफ आ रहा था और रास्ते में मैंने सोचा कि आजकल फिल्मों का कुछ स्टाइल हो गया कि वो टाइटल सॉन्ग बनाते हैं, फिल्म का नाम गाने में डालते हैं। तो मैंने ऐसे सोचा अगर चौधरी का चांद गाने में डाला जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि गुरुदत्त जी फिल्म में आप देखेंगे कि गुरुदत्त जी किसी मुशायरे से आए हैं, घर आए तो देखा वहीदा रहमान उनका इंतज़ार करते करते सो गई है और वो उसके हुस्न की तारीफ़ में गाना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि दिल में सोचा कि अगर चौधरी का चांद से शुरू करें तो क्या बुराई है, तो मैंने सिर्फ चौधरी का चांद हो यहाँ तक मेरे दिमाग में आता था। मैं घर आया, घर आके मैंने शकील साहब को फ़ोन किया, भाई मेरे दिमाग में कुछ एक आइडिया आ रहा है इसका गाने का, तुम जरा आ जाओ जल्दी से। तो शकील साहब आ गए, आके मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरे दिमाग में इतना ही है ये रोमांटिक गाना गुरुदत्त जी का है, यहाँ से शुरू करें, चौधरी का चांद हो। मैंने कहा आगे क्या, तो एक सेकंड उन्हें लगा, एक तो कुछ सेकंड के बाद में बोले या आफ्ताब हो, तो मैंने या आफ्ताब हो, फिर थोड़ी देर के बाद बोले जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, तो मैंने जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, पूरा गाना मुखड़े का गाना का मुखड़ा बन गया, बड़ा अच्छा लगा हमको सुनने में। चौधरी का चांद फिल्म बड़ी पॉपुलर हुई, मेरे जीवन के मतलब म्यूजिकल कैरियर के लिए ये एक बड़ी बहुत बड़ी फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के बाद सारे मतलब कहना चाहिए सारे बॉम्बे में क्या सारे वर्ल्ड में मेरा नाम एज ए म्यूजिक डायरेक्टर पॉपुलर हो गया था। और इस फिल्म के को देखने के बाद ही काफ़ी मतलब जैमिनी के सारे मद्रास के लोग मेरे पास, मतलब मद्रास के अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर मुझे मिल गए, बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे बुलाया। पहली फिल्म थी गुमराह, गुमराह के बाद हमराज, हमराज आदमी इंसान धुंध निकाह तवायफ भी उनकी बाहर की पिक्चर थी लेकिन डायरेक्शन चोपड़ा साहब की थी। और वक्त, वक्त बहुत बड़ी हिट थी। मैं एक पहली लाइन सुनाना चाहूँगा, ए मेरी जोर जब तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मैंने कभी किसी शायर को जो लिखने वाले थे कभी किसी को कोई ट्यून नहीं दी। मैं हमेशा सोचता था कि शायर को आज़ाद छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए, ताकि वो अपने ख्यालात बिना किसी लिमिटेशन के पेश कर सके। कोई भी गाना देखिए आप, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, साहर साहब की किताब में छपा हुआ गाने, वो हमने उसकी धुन बनाई। चलो एक बार से मैंने बहुत सारी ट्यून बनाई थी, अभी मैं आपको बताऊं कैसे ट्यून कोई भी बन सकती है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से, ये भी ट्यून है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ये भी ट्यून है। और भी 50 ट्यून बन सकती हैं, लेकिन जो फिल्म में रही, चलो एक बार फिर से अजनबी
बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। एक्चुअली मैं अंग्रेजी साज बहुत कम यूज़ करता था मेरे। आप गाने सुने आपने, आप देखेंगे कि फ्लूट है, सितार है, सरोद है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा इस्तेमाल करता था। संतूर है, शहनाई है, मैंने बहुत कम गानों में ये अंग्रेजी साज इस्तेमाल किए। और मैं हमेशा गाने को प्रेफरेंस देता था, मतलब गाने को बढ़ावा देता था, गाने गायक की आवाज़ को ऊपर रखता था, क्योंकि अगर गाने की अगर आवाज़ दब गई तो अच्छा नहीं है। कोई भी गाना मेरा देखें आप तो लोग आसानी से गा सकते हैं उसको, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी उसमें। तो मधुरता थी, पोइट्री थी और आसानी थी, तीन चीज़ें बड़ी महत्व रखती थी मेरे गानों में। मैंने कुछ मलयालम फिल्म की, 16 मलयालम फिल्म की हैं, जिसमें से कम 10-11 फिल्म सुपरहिट फिल्म हैं। वहाँ भी कोई, केरला में भी कोई रवि नाम का कोई संगीतकार होगा तो उन्होंने पर्टिकुलरली पहचान के लिए बॉम्बे रवि नाम रखा कि बॉम्बे वाला रवि। पहली पिक्चर थी पंचाग्नि, तो मैंने नक्षत्र संगल पे पिक्चर की। उसके बाद एक पिक्चर आई वैशाली, वो भी पिक्चर की सुपर हिट हुई। उसके बाद आई पिक्चर उड़ बढ़कर वीर गाता, वो भी पिक्चर बड़ी हिट हुई। मन्ने प्रसाद मिट्टी चारती मन्ने कुरी मुंडु चूती। तीन दफ़ा स्टेट अवार्ड मिला, दो फिल्म फेयर अवार्ड मिले, एक नेशनल अवार्ड मिला मलयालम फिल्म। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। ये वीणा है, ये छाया है। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बेटियाँ मिली हैं, इन्होंने मेरी अब तक इतनी सेवा की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज तक जो ज़िंदा हूँ इनकी वजह से ज़िंदा हूँ। हम लोग बहुत लकी हैं, ऐसे फादर मिले हमें, बहुत पुण्य किए होंगे हमने पिछले जन्म में जो ऐसे फादर हमें मिले। दो ही इज़ अ सेलिब्रिटी बट इज़ वेरी सिंपल एंड वी आर वेरी प्राउड, वी फील रियली प्राउड दैट ही इज़ अ फादर एंड ही इज़ द बेस्ट फादर। ही लव्स अस सो मच, ही इज़ फॉर द फैमिली। जब तक आप के अंदर डिवोशन नहीं हो किसी चीज़ के लिए तो आप तरक्की नहीं कर सकते। जैसे लता जी की फैमिली, खाते पीते बैठते उठते बात करते संगीत, संगीत ही है उनका सब, क्योंकि सारे घर में सारे सब मेंबर जितने हैं सब संगीत प्रेमी। हेलो, हेलो, नमस्कार, मैं उषा बोल रही हूँ, वो टेलीफोन पे ही बात करेंगे, एक मिनट। हेलो, नमस्कार रवि जी, एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो गाने बहुत उनके याद आते हैं जो मैंने गाए हैं। मैं उनके घर भी गई हूँ 2-3 मरतबा, उनके घर के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे अभी तक याद है कि मैं उनके यहाँ गई थी तो उन्होंने मुझे बहुत ही पुराना अचार खिलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि ये अचार हमारे घर में बनाया जाता है और मालूम नहीं कई वर्षों का होता है वो, और वो अचार एक तरह से दवाई जैसा काम करता है। तो मतलब इस तरह के मेरे उनके रिलेशन थे। उनका म्यूजिक थोड़ा सा बाकी म्यूजिक से हटके आता था और मेरे बहुत चले हुए गानों में तुम ही मेरे मंदिर ये गाना बहुत चला था। इसके अलावा मैंने उनके और फिल्मों में भी गाने गाए हैं, वो दिल कहाँ से लाऊं ये भी मैंने उनका गाना गाया था। मैं उनको प्रणाम करती हूँ। तेरी याद जो खुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं।
आइए. नमस्कार. नमस्कार. ये अपने सुरेश जी हैं. नमस्कार सुरेश जी. ये गाने गाने वाली हैं. अच्छा. तो मैंने कुछ चेंजेस जो किए हैं वो इनको बता रहा हूँ मैं. जी हाँ, आपने बताया था कि संगीत के हिसाब से आपने कुछ चेंज के हिसाब से कुछ चेंजेस होते हैं, तो आप देख लीजिए आप क्या क्या. जी, प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार से जिंदगी संवरती है. ठीक है, बिल्कुल. प्यार तो दिल की एक राहत है, धड़कने साथ जब मचलती हैं. ओके. नहीं, इसमें परिवर्तन शायद बता रहे थे. धड़कने जो है ना, ये यहाँ मैंने चेंज किया है. हाँ जी. के दिल में हर एक खुशी मचलती. दिल दिल अच्छा, में हर एक खुशी. क्या बात है. दिल में हर एक खुशी मचलती. हर एक खुशी मचलती है. ओके. हाँ जी. प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार से जिंदगी संवरती है. प्यार करते हैं लोग सदियों से. हाँ, सदियों से. सदियों से प्यार से जिंदगी संवरती है. प्यार से जिंदगी संवरती है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आप बस अब तो रिकॉर्डिंग करेंगे. सुरेश जी नमस्कार. नमस्कार. कल आपके गाने की रिकॉर्डिंग है, तो आ जाइए आप. हाँ, तबला ट्यून कर. बस ओके ओके ठीक है. हाँ, ढोलक. बस ओके ओके. गिटार. रवि जी, मैं एक बार इन लोगों के साथ थोड़ा गा लूं. हाँ, मिशन्स के साथ गाइए. रेडी. 1 2 3 1 2 3 1. प्यार करते हैं लोग सदियों से, प्यार से जिंदगी संवरती है. ठीक है सर, टेक केयर. फाइनल रिकॉर्डिंग टेक 4. 1 2 3 1 2 3 1 2.
बहुत अच्छे, ओके। रवि जी, आपने बहुत ही मधुर संगीत दिया, इससे हिंदी का जो सीने संगीत है उसका सुनहरा दौर याद आ गया। उम्मीद है कि आपकी यह नई पहल एक नई शुरुआत करेगी। बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी, जैसे गुजर सकी ये शबे गम गुजार दी। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए,